Hello beautiful people, this is me Amita and I welcome you all to my channel Amita Kesarwani. So first of all, happy Holi to all of you and I wish you a very happy and safe Holi. So आज की वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक होली स्पेशल ड्रेस फॉर माई कान्हा जी. सो मेरे पास जो कान्हा जी हैं ही इज़ इन टू नंबर साइज नंबर 5. सो अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है नंबर 5 के तो आप भी ये ड्रेस बना सकते हो. इस ड्रेस में एक स्पेशलिटी ये है कि मैंने इसमें कुछ भी स्टिचिंग का या सुइंग का मतलब कुछ भी ऐसा सिलाई जैसा यूज़ नहीं किया है. इट्स जस्ट दैट ग्लू एंड मेरे पास कुछ नेट क्लॉथ पड़े हुए थे तो ये. एंड या बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो यार, हेल्प मी टू ग्रो. नाउ लेट्स मूव इन टू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बुकरम का शीट लूँगी जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था एंड बहुत ही चीप मिला था. तो आप भी अपने लोकल मार्केट से बुकरम का शीट बाय कर सकते हो. सबसे पहले हम कान्हा जी के ड्रेस की बेस बनाएंगे जिसके लिए मैंने रैंडम साइज़ लिया है. कुछ भी ऐसे मेजरमेंट इसकी की नहीं थी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लड्डू गोपाल की एक ड्रेस रखी हुई थी तो उसी का मेजरमेंट लेकर के अंदाज से मैंने ये कट कर लिया. सेंटर में भी मैंने सर्कल कर लिया जिसमें मैंने जो साइज़ लिया अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से लिया है. आपके पास भी अगर कोई कान्हा जी की ड्रेस ऑलरेडी हो तो उसके साइज़ के हिसाब से आप कट कर सकते हो. नाउ अब इसके बाद सिंस मुझे ना ये होली स्पेशल ड्रेस बनानी तो मैं बेस पे वाइट रखूँगी. तो मैं यहाँ पे वाइट नेट का फैब्रिक लूँगी एंड उसको ग्लू की हेल्प से ऐसे करके स्टिक कर लूँगी. यहाँ पे देखो ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है, नेट लग चुका है एंड यहाँ पे एक सेंटर से इसको कट कर लेंगे. थोड़े से नेट फैब्रिक निकल गया था तो मैंने फेबिकॉल से स्टिक कर लिया. नाउ इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कार्डबोर्ड शीट ली, उसको ऐसे पेटल का शेप में कट कर लिया. उसके बाद मैं यहाँ पे ढेर सारे नेट के फैब्रिक यूज़ करूँगी, 3 पार्ट में फोल्ड करके इसको इस पेटल के शेप में कट कर लूँगी. ऐसे 3 पार्ट में फोल्ड करके कट करेंगे ना तो हमारे 3 पेटल्स एक साथ बन जाएंगे. 3 पेटल्स मैं क्यों बना रही हूँ भी आपको आगे पता चल जाएगा. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अब मैंने वापस से ये कार्डबोर्ड शीट ली, उसके ऊपर सबसे पहला ये पेटल शेप वाला लीफ लगा दिया एंड देन उसके बाद नेट लगा दिया सॉरी एंड देन उसके बाद ये तीनों एक के ऊपर एक स्टिक करके इसको थोड़ी देर के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे. कम्प्लीटली ड्राई होने नहीं देना है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स को छोड़ देंगे. उसके बाद यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ, इसको हल्के से मैंने निकाल लिया. अब इसको निकाल करके हम ड्राई होने के लिए अब रख देंगे. 80% जब ड्राई हो जाएगा इसको सीजर की हेल्प से ना कट करके शेप कर लेंगे. नाउ B7000 ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे ये रेनबो राइनस्टोन चेन अच्छे से इसको स्टिक कर दूंगी. अगर आपके पास ये रेनबो राइनस्टोन चेन नहीं है तो आप नॉर्मल राइनस्टोन चेन भी यूज़ कर सकते हो. एंड ये देखो ये कितना प्रिटी लग रहा है, मैंने इतने सारे कलर्स के और इतने सारे मैंने यहाँ पे ये पेटल वाले पैटर्न बना लिए थे. इसके बाद इसको मैं फटाफट से ऐसे अलाइन कर लूँगी. अब अलाइनमेंट के बाद जितने भी ये एक्स्ट्रा पीसेस थे ना उसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी. कटिंग के बाद अब मैं यहाँ पे और राइनस्टोन चेन लूँगी और एक ना बकरम शीट की ही अच्छी सी पतली से स्ट्रिप कट कर लेंगे हम. स्ट्रिप कट करने के बाद जो बीच में पोर्शन है जिसमें कान्हा जी की कमर पे हम ड्रेस बांधेंगे उस पर ये बकरम का पीस कट कर लेंगे एंड उसके बाद इसको भी राइनस्टोन से अच्छे से कवर कर लेंगे. ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट मैं जब कान्हा जी को अपने ड्रेस बनाऊँ ना तो वो अच्छे से बैठ जाए. अब उसके बाद मैं यहाँ पे और राइनस्टोन की ये लंबी लंबी सी स्ट्रिप काट करके इस पैटर्न में चिपका लूँगी. ड्रेस इस हिसाब से मैं कंप्लीट कर लूँगी. अगर आपको ये पेटल वाला पैटर्न और लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, वरना इसको मुझे ऐसे ही छोड़ना था, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो लगा दिया. अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये पतला सा गोटा लूँगी, उसको जो कमर वाले हमने पैटर्न बनाया था जिस पर राइनस्टोन चेन लगाई थी विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन हम इसे भी अच्छे से स्टिक कर लेंगे. अब इसके बाद हम पगड़ी बनाएंगे. पगड़ी के लिए मैंने एक 12 सेंटीमीटर लेंथ का और 5 सेंटीमीटर विड्थ का एक बुकरम शीट का पीस कट कर लिया. उसको थोड़ा सा ऊपर से पहले फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड के बाद फिर हाफ फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद इस पैटर्न में आप देख लो ऐसे इस पैटर्न में इसको कट कर लेंगे. नीचे का जो हमने शुरू में फोल्ड किया था ना उसको विद द हेल्प ऑफ सीजर ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ना कट कर लेंगे टिल द एंड. तो यहाँ पे 5 नंबर जी के कान्हा के लिए मैंने 12 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर विड्थ ली थी तो आप भी सेम यूज़ कर सकते हो.
नाउ ग्लू गन की हेल्प से इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ऊपर जितना भी ये वाला जो पीस निकला हुआ था आप देख सकते हो, इसको हम ऐसे फोल्ड करके नीचे रख देंगे। नाउ ये सर्कल पीस मैंने रैंडमली कट करी थी, बुकरम शीट का ही था। उसके बाद इसको बेस में लगा देंगे सो दैट ये अच्छे से ना बाकी जितनी भी हो स्टिक हो जाए। थोड़ी बहुत जो निकली हुई थी उसको विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन अगेन हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे। बेस तो हमारा जो पगड़ी है उसकी रेडी हो गई है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स कट करी हैं। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, नेट का फैब्रिक लिया, उसको फोर पार्ट में फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दिया। बहुत ज़्यादा इस पर आयरनिंग करी है मैंने, तभी ये देखो अच्छे से ना ऐसे चिपका हुआ लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप इस पे सुइंग मशीन की हेल्प से इसको अच्छे से सिल भी सकते हो। सिंस मुझे बिना सिले इसको करना था तो मैंने ऐसे ही प्रेस लगा के अच्छे से कर दिया। अब ये चारों स्ट्रिप को इस हिसाब से ना अच्छे से स्टिक कर लेंगे। अब जो हमने पगड़ी का बेस बनाया था उस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर साइड पे यहाँ पे ग्लू करूँगी एंड ये चारों का चारों जो नेट का फैब्रिक हमने पगड़ी पगड़ी बनाने के लिए यूज़ किया था उसको स्टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखते जाओ इस ही पैटर्न में, जिस पैटर्न में इसको स्टिक कर रही हूँ, तो सबसे पहली वाली जो स्ट्रिप थी ना उसे इसी पैटर्न में स्टिक करेंगे हम। यहाँ पे ऐसे ला करके इसको अच्छे से स्टिक कर देंगे। अगेन उसके ऊपर फिर जो सेकेंड वाला कलर मैंने यूज़ किया था वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने येलो कलर यूज़ किया था, उसको भी सेम पैटर्न में ऐसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। एंड सिमिलरली लास्ट वाला भी स्टिक करके जितना भी बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको ऊपर अच्छे से स्टिक करके कवर कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रिल्स बनाएंगे। फ्रिल्स बनाने के लिए कुछ ऐसे पतले पतले से स्ट्रिप कट कर लिए, उसको ऐसे प्लेट्स डाल दी। प्लेट्स डालने के बाद नीचे साइड ना मैंने यहाँ पे थ्रेड्स उसको अच्छे से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये देखो ऐसा फ्रिल बन के आएगा। एंड ऐसे मैंने चारों शेड, जिस भी शेड का पगड़ी में मैं यूज़ कर रही हूँ, चारों ही शेड मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम ये चारों का चारों फ्रिल जो है पगड़ी में लगा देंगे। स्टिल मुझे पगड़ी सिंपल लग रही थी तो राइनस्टोन चेन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो ये जो सबसे नीचे मैंने यहाँ पे राइनस्टोन चेन लगा दिया एंड इसी पैटर्न में चारों जितने भी कलर्स हैं उसके एज के एंड पे लगा दूंगी। अब हम कान्हा जी के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके लिए बनाएंगे। इसके लिए मैंने सेम चार फोल्ड में वाइट फैब्रिक को कट करके उसको चार बार प्रेस कर लिया है। उसके बाद इसको यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करके नीचे एक गोटा लगा दिया सो दैट जब मैं ये कान्हा जी को पहनाऊंगी तो मैं इसको बांध दूंगी। और भी मुझे साइड में अच्छा नहीं लग रहा था तो राइनस्टोन चेन लगा दी। अब देखो ये कान्हा जी का सर यहाँ से निकल के उनके शोल्डर पे आके वेस्ट पे आके ऐसे पहन जाएंगे। लास्ट में पहन के भी दिखाऊंगी। यानी यहाँ पे ये पूरा बन गया, ये ड्रेस हो गई, ये कान्हा जी का टॉप पोर्शन एंड ये पगड़ी। अब मैं तो अब देखो मैं यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना के दिखाऊंगी। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं एंड यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल देखो कितने क्यूट उसे लग रहे हैं ना। तो मैंने सबसे पहले टॉप पोर्शन बना दिया, देन उसके बाद मैं ये वाली स्कर्ट पे भी उनको अच्छे से फिट कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फिटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी आई थी एंड पगड़ी की फिट तो वाओ लाजवाब थी। वो इतने अच्छे से फिट हो गई थी ना, देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारू से लग रहे हैं। एंड आई जस्ट विश यू वेरी हैप्पी होली, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।